वाह बहुत ही जूसी और स्पंजी रसगुल्ले। दोस्तों रक्षाबंधन के मौके पे मैं मनाने जा रहा हूँ रसगुल्ले। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कोरोना बीमारी के चलते लोग बाहर का खाना अवॉइड कर रहे हैं, बाहर की मिठाइयाँ अवॉइड कर रहे हैं, तो घर पे ही बनाते हैं मीठे रसगुल्ले। 1.5 लीटर दूध, 500 ग्राम शुगर, 2 कार्डमम, 1 टेबल स्पून मैदा, गार्निश के लिए थोड़ा सा सैफ्रॉन, 1/2 पाउल वाइट विनेगर, 1/2 पाउल। सबसे पहले हम एक पतीले में दूध ले लेंगे और इसको उबालेंगे। धीरे धीरे इसको चलाते रहें। जब आपका दूध उबल जाए उसको गैस से हटा लें और 5 मिनट रहने दें। उसके बाद इसमें धीरे धीरे वाइट विनेगर डालें। विनेगर थोड़ा थोड़ा करके डालते रहें और ये आपका दूध और छेना अलग हो चुका है। बहुत ही बढ़िया छेना बना है ये देखिए। उसके बाद हम एक साफ कपड़ा लेंगे, उसमें इसको हम छान देंगे। कपड़े को चारों तरफ से पकड़कर हल्का हल्का प्रेस करेंगे। ध्यान रहे ज़्यादा ज़ोर से नहीं प्रेस करना है, इसमें थोड़ी सी नमी अंदर रहनी चाहिए छेना में, तभी आपका छेना सॉफ्ट बनेगा। उसके बाद हम छेना को ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से विनेगर का टेस्ट निकल जाए और आपका छेना बढ़िया बने। क्योंकि विनेगर के रहने से इसमें थोड़ा खट्टापन आ सकता है, कड़वापन आ सकता है। उसके बाद इसको दोबारा से स्ट्रेन कर लें हल्के हाथों से। ये देखिए आपका छेना बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको एक परात में निकाल लें, बड़ा सॉफ्ट बना है। इसको मिक्स करें, इसको हथेली से रगड़ें और मैश करते रहें। कम से कम 7 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गूंदें आटे की तरह और फिर इसमें मैदा डाल दें 1 टेबल स्पून और इसको फिर दोबारा से तब तक इसको मैश करें जब तक ये आटे वाली शेप में ना गूंद जाए। देखिए ये बिल्कुल गूंद चुका है, इसकी डली बन गई है। इसको रोल करें, 2 पार्ट कर लें इसके। इसको फिर रोल करने के बाद कवर करके रख लें। चलिए अब चाशनी बनाते हैं। चाशनी में हमने 1 लीटर पानी डाला, शुगर ऐड किया और इसमें इलायची डाल दी। और इसको धीरे धीरे हिलाएंगे ताकि आपकी चीनी पानी में घुल जाए और इसमें बॉयल आने देंगे। थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करेंगे हम। दूध डालने का पर्पज़ ये है कि इसमें जो स्टार्च होता है वो सारा निकल जाए और आपका जो सिरप है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। देखिए आपका शुगर सिरप तैयार है। चाशनी अगर गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा गर्म पानी मिला लें। इसके बाद छेना को रोल करेंगे, इसको और छोटा कर लें
और हाथ से थोड़ा प्रेस कर लें। उसके बाद फिर से इसको रोल करें और लंबे आकार में इसको रोल कर लें, और जब ये थोड़ा सा लंबा हो जाए तो उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें इक्वल। हमें इनकी छोटी छोटी डम्पलिंग्स बनानी हैं। ये देखिए बराबर बराबर एक साइज़ में इसको काट लें और उसके बाद हम इसको रोल करेंगे दोनों हाथों से और छोटे छोटे डम्पलिंग्स बनाएंगे। डम्पलिंग्स बनाते समय ध्यान रहे कि कहीं पे भी आपका जो रोल बनाया आपने, जो डम्पलिंग बनाई है, उसमें कहीं पे कोई दरार ना रह गई हो, नहीं तो बाद में आपके रसगुल्ले फट सकते हैं चाशनी में उबालते समय। और ये हमने एक एक करके सारे डम्पलिंग्स बना लिए हैं। आपका शुगर सिरप तैयार है, चाशनी तैयार है, और इसमें खोलते हुए चाशनी में धीरे धीरे रसगुल्ले हम डालेंगे। इसका टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए और लगातार खोलते हुए चाशनी में हमें इसको उबालना है, पकाना है, ढक्कन लगा के फिर हटा दें। 5 मिनट बाद आपके रसगुल्ले इस आकार में आ जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे। फिर इनको आप स्पून से या छोटे लेडल से पलट लें और फिर से ढक्कन लगाएं 5 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसमें स्पेस छोड़ना है और ये 5 मिनट के बाद आपके रसगुल्ले तैयार हैं। चाशनी के साथ रसगुल्ले एक बर्तन में निकाल लें। दोस्तों, अगर आपको रसगुल्ले आज खाने हैं तो आपको एक दिन पहले बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 12 घंटे तक आपको इसको चाशनी में डुबा के रखना होगा, तभी आपके रसगुल्ले मीठे, स्पंजी और स्वादिष्ट बनेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।